हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल माय एनसीईआरटी एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। टुडे वी आर स्टडी क्लास 8 चैप्टर 5 डाटा हैंडलिंग। इन दिस चैप्टर वी आर स्टार्ट अबाउट एन इंट्रोडक्शन। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द इंट्रोडक्शन इज पिक्टोग्राफ, देन सेकंड बार ग्राफ, देन ऑर्गेनाइजिंग डाटा, देन ग्रुपिंग डाटा, देन पाई चार्ट, देन प्रोबेबिलिटी। सिक्स पॉइंट्स और अ सिक्स टॉपिक आर देयर इन दिस चैप्टर। नाउ व्हाट डू मीन बाय डाटा हैंडलिंग? डाटा हैंडलिंग मीन्स वी कलेक्ट अ डाटा और अ इंफॉर्मेशन इन अ टेबल फॉर्म और इन अ बार ग्राफ। इट इज़ नोन एज डाटा हैंडलिंग। नाउ हमारे पास डाटा प्रेजेंट है पिक्चर के फॉर्म में। अब उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे या उसे हम टेबल के फॉर्म में कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। सपोज हमारे पास फ्लावर है, ओके? अब हम एक फ्लावर को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहे हैं 10 फ्लावर से। दैट मीन्स एक फ्लावर, वन फ्लावर इज इक्वल टू 10 फ्लावर। देन हाउ कैन इट रिप्रेजेंट? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब हम एक शॉपकीपर के पास जाते हैं और मंडे को हम 20 फ्लावर्स लेके आते हैं, तो उसको हम टेबल के फॉर्म में कैसे करेंगे 20 फ्लावर्स को? वन टू, वन फ्लावर इज इक्वल्स टू 10 फ्लावर, डेट मीन्स 20 फ्लावर इज इक्वल टू 2 फ्लावर। देन ट्यूसडे को हम 5 फ्लावर लेके आते हैं, तो 5 कैसे होगा 10 का आधा, तो मतलब हम आधा फ्लावर बनाएंगे। ये क्या डिनोट कर रहा है? 5 फ्लावर। यहाँ हम 25, ये नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं। देन ट्यूसडे को हम 25 फ्लावर्स लेके आते हैं, तो 25 कैसे बनाएंगे? पहले तो हम 20 बनाते हैं 2 फ्लावर से, ये 10, देन 20, हाफ 25, ओके? तो व्हाट डू मीन बाय पिक्टोग्राफ और हाउ इट कैन कैलकुलेट एंड ड्रॉ इट? नाउ we can come about our second topic, bar graph. बार ग्राफ, अब बार ग्राफ में क्या होता है? ये पूरा हम जो पढ़ रहे हैं वो डाटा हैंडलिंग, ये सब इसके पार्ट हैं। तो ये पूरा जो है इसमें कोई एक ही चीज़ है कि डाटा या इंफॉर्मेशन को कैसे हम कलेक्ट करेंगे और कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब डाटा या इंफॉर्मेशन को अब हम बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो बार ग्राफ पहले होता क्या ये देखते हैं। बार ग्राफ को हम हमेशा ग्राफ में ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें दो एक्सिस होती हैं, एक जनरली दो एक्सिस होती हैं, वाई एंड एक्स। थर्ड भी होती है जो जेड होती है, बट ये आपके कोर्स में अभी नहीं है इसलिए हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। अब वाई और एक्स एक्सिस पे ये बार ग्राफ बनता है। अब बनता कैसे है वो हम देखते हैं। सपोज कि आपके पास कुछ डाटा है, कुछ इन्फॉर्मेशन है। क्या है उसमें कि हमें
एग्ज़ाम के मार्क्स दिए, एक स्टूडेंट के एग्ज़ाम के मार्क्स दिए, सपोज स्टूडेंट है उसका नाम मोहन है, अब उसे इंग्लिश में 50 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, हिंदी में उसे 70 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, देन मैथमेटिक्स में उसको 25 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, देन इंग्लिश हिंदी साइंस में उसे 30 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100। हमारे पास चार ही सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ओके। देन हाउ कैन इट रिप्रेजेंट इन टेबल फॉर्म और अ डाटा, एक हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये जीरो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मार्क्स लिखते हैं वाई एक्सिस पे, यहाँ हम लिखेंगे मार्क्स और यहाँ हम लिखेंगे सब्जेक्ट्स के नेम। तो हम जीरो, देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 अप टू 100। हम यहाँ लिखते E denotes to English, maths, science, then one more Hindi. अब English 50 marks, 50 कहाँ हैं, यहाँ हैं, तो English यहाँ है, ये 50 marks. Then Hindi 70, अब Hindi तो बहुत दूर, पहले maths देखते हैं, math 25, ऑब्वियसली 20 और 30 के बीच में होगा यहाँ पे, साइंस 30, हिंदी 70, अब मैं यह इन्फॉर्मेशन यहाँ से रब कर रही हूँ। ये तो हमने बार ग्राफ बना लिया है, ये हमने बनाया बार ग्राफ, अब इसी का एक और फॉर्म आता है डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ कैसे बनता है, देखो सपोज कि ये जो मार्क्स हैं या ये जो डाटा है हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम का है, अब हम इसी डाटा में एनुअल एग्ज़ाम भी ऐड करें, तो इसी में जो ऐड होगा एनुअल, ये हाफ ईयरली, देन अभी जो बनाएंगे वो एनुअल, तो दोनों जो ग्राफ बनेंगे वो डबल, ठीक है। तो अब एनुअल सपोज कि इंग्लिश में अब 50 में से कि कुछ मार्क्स होंगे, तो ये हम एक और जो डॉटेड या फिर पूरी ही लाइन बना देते हैं, ये इसी को हम डबल जो बार ग्राफ बोलते हैं, ये क्लियर है। डबल बार ग्राफ और बार ग्राफ में क्या डिफरेंस होता है, वो पहले जो बनाया था वो बार ग्राफ था, देन जिस अभी जो बनाया है रेड वाला वो डबल बार ग्राफ है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। ऑर्गेनाइजिंग डेटा, अब इन दिस टॉपिक वी हैव सम इंफॉर्मेशन आर देयर, लेट सपोज रेड
yellow, green, blue, then again yellow, black, green, blue. Some colors are there, some are repeating again and again. Then फिर हम कैसे करेंगे? Suppose कि हमें यहाँ पे एक टेबल बनाना है. यहाँ फर्स्ट हमें लिखना है कलर, टैली मार्क, देन नंबर, नंबर और फ्रीक्वेंसी. कलर हम कौन सा लें पहले? रेड लेते हैं. अब काउंट करो रेड कितने टाइम्स है. वन, ओनली वन, जीरो वन, ओके, देन टैली मार्क वन, येलो काउंट करो वन टू, जीरो टू, टैली मार्क वन टू, देन ग्रीन वन टू, देन ब्लैक वन, ब्लू वन टू. सपोज कि यहाँ पर अगर वन टू है तो ये, अब टैली मार्क्स में अगर फाइव होता तो वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स होता तो वन टू थ्री फोर फाइव देन सिक्स. ये पैकेट के फॉर्म में चलता है टैली मार्क्स के, जो हम काउंटिंग करते हैं या फिर इसको जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये पैकेट के फॉर्म में होता है. ऐसे जो स्टिक हैं लाइक एस स्टिक, उसे फोर स्टिक आर देयर एंड द वन इज क्रॉस इट, देन पैकेट फाइव, फाइव जो नंबर होते हैं उसका है, पैकेट बनता है. अगेन टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक इज टॉपिक इज ग्रुपिंग डाटा. अब इसमें क्या होगा, ये इसमें भी हमें डाटा ही कलेक्ट करना है लेकिन ग्रुप के फॉर्म में. लेट सपोज हमारे पास 50 स्टूडेंट हैं या 70 स्टूडेंट हैं, तो उनके मार्क्स हर सब्जेक्ट में अलग अलग आए होंगे, या फिर अगर सब्जेक्ट वाइज हम बात नहीं करें, किसी एक ही सब्जेक्ट की बात करें, तो हर 50 स्टूडेंट के मार्क्स अलग अलग होंगे. हो सकता है किसी स्टूडेंट के मार्क्स सेम भी हों, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग ही सबके होंगे, कुछ के सेम ही हो सकते हैं. तो इतना लंबा डाटा कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसका हम ग्रुप बना लेते हैं. जैसे जीरो से लेके टेन तक हम एक ग्रुप बनाते हैं, देन 11 टू 20, देन 21 टू 30, 31 टू 40 एंड 41 टू 50. ये हमने 0 से लेके 50 तक का ग्रुप बना लिया है. अब इसमें हमें करना क्या है, 0 से लेके 10 तक मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, बस वो लिखने हैं. तो सपोज 0 से 10 तक 5, 5 बच्चों के आए हैं, देन 10, 5, 4, देन 2. ऐसे हम, ये रैंडमली डाटा मैंने लिया है, ऐसे ही हम डाटा यहाँ पे पूरा कलेक्ट कर लेंगे. बस बात यहाँ ग्रुपिंग की है कि ग्रुप कैसे बनाते हैं, ग्रुपिंग कैसे करते हैं. तो ग्रुपिंग ऐसे होता है, ओके. देन नेक्स्ट टॉपिक इज पाई चार्ट. नेक्स्ट टॉपिक इज पाई चार्ट.
अब पाई चार्ट होता कैसे है? पहले हम ये देखते हैं। पाई चार्ट हमेशा सर्कुलर फॉर्म में होता है, ओके? अब इसको अभी तो हम रैंडमली बनाते हैं। सपोज कि हाँ, कुछ स्टूडेंट हैं जिन्हें फुटबॉल पसंद है, ये हो गया फुटबॉल के लिए। देन कुछ हैं जिनको टेनिस पसंद है, कुछ है जिसको क्रिकेट पसंद है, एंड देन बैडमिंटन। अब हमने यहाँ परसेंटेज नहीं लिखा है कि कितने फुटबॉल कितने परसेंट बच्चों को पसंद है या टेनिस कितने परसेंट बच्चों को पसंद है। हमने सिर्फ यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके या फिर एरिया से बताया। ऑब्वियसली ये एरिया बड़ा है तो ये इसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, ये कम है, ये कम है, ये कम है, लेकिन ये तीनों भी एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, तो ये तीन भी सेम परसेंटेज के हो नहीं सकते हैं। तो अब ये तो या तो ऐसे बना सकते हैं या फिर इसमें परसेंटेज ऐड कर दो, 60, 10, 10 कुछ भी हम ले सकते हैं जो हमारा डाटा गिवन है वो। अब ये तो हमने बना लिया रैंडमली। अगर हमारे पास डेटा गिवन है उससे पाई चार्ट कैसे बनाना है अब वो देखो। सपोज यहाँ पे टेनिस का हमें गिवन है 50%, देन बैडमिंटन का गिवन है 25%, क्रिकेट का गिवन है 25%। अब इस डेटा की हेल्प से हमें पाई चार्ट बनाना है तो वो कैसे बनेगा? डायरेक्ट नहीं बन सकता, इसके लिए हमें दो कंडीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो कैसे? अब देखो, फर्स्ट जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है फ्रैक्शन। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो 50 है डिवाइडेड बाय 100, 25 डिवाइडेड बाय 100, देन अगेन 25 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको कट शॉर्ट कर लो, 1/2, देन अब इसको कट करो, 1/4, देन अगेन 1/4, 1/4, ओके? अब ये तो आ गया हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में, इसको हमने कहा था फ्रैक्शन। देन नेक्स्ट इज सेंट्रल एंगल। ये शायद आप लोग के लिए नया होगा, ये हमने 6th-7th में पढ़ा हुआ होता है। सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे? इसको हमेशा मल्टीप्लाई बाय 360 से होता है। एंगल निकालना है और एंगल एक राउंड फिगर कितने का होता है, पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360, इसलिए हम इसको 360 डिग्री एंगल से फाइंड आउट करते हैं। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, देन अगेन 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। अब इसे सॉल्व करो, 2 1 2 2 8 16, 0 का 0 कितना आया? 180 डिग्री। 4 1 4 4 9 36, 0 यहाँ पे कितना आया? 90 डिग्री। देन सेम है ये 90 डिग्री। तो सेंट्रल एंगल कितने निकल गए हमारे? टेनिस मतलब 50 का कितना निकला है? 180 डिग्री। देन बैडमिंटन 25 का 90 डिग्री, देन लास्ट वन क्रिकेट उसका कितना है? 25 का 90 डिग्री। अब इसके बेस पे हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। पहले क्या करना है? 180 डिग्री, 180 मतलब हाफ एंगल, ये सेंटर है 180 डिग्री, देन 90 डिग्री, एंड जो फिर से जो बन चुका है वो भी 90 डिग्री ही बना है। ड्रॉ हो गया ना पाई चार्ट।
with the help of this given data. Next and last topic is probability. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी. अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है क्या हो सकता है. बहुत कॉमन एग्जांपल है इसमें, क्या आज शाम को बारिश हो सकती है. अगर इसी को हम दूसरे फॉर्म में बोलें तो आज शाम को बारिश होगी या नहीं होगी, तो इसके दो ही फॉर्म है, होगी या नहीं होगी. तो प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होता है कि हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, या तो होगी या फिर नहीं होगी. ओके, अब इसी का एक दूसरा एग्जांपल भी बहुत कॉमन है. अगर हमने कॉइन लिया और उसे उछाला, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तीसरा तो कुछ आ नहीं सकता है. दो ही इसके आउटकम्स होते हैं ना. तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है वो देखते हैं हम. Probability equals to number of favorable outcomes upon number of outcomes. अब ये जो लिखा है ना, मैंने अजीब सा वर्ड favorable, ये क्या होता है? Favorable मतलब हमें जो पसंद है वो. अब हमें जो पसंद है वो इसमें कहाँ से आ गया? अभी जो मैंने example दिया था ना coin वाला, suppose कि हमें head पसंद है, तो हम ये चाहते हैं कि जब हम सिक्का उछालें तो head ही आए. तो हेड आने का, हमें सिर्फ हेड पसंद है, तो हमने क्या लिखा है कि सबसे ऊपर क्या आना चाहिए? हेड, मतलब एक. और आ क्या क्या सकते हैं? हेड और टेल, कितने हो गए? दो. तो 1/2 इस फॉर्मूले पे फिट हो गया. आया समझ में कि फेवरेबल क्या होता है और इसे कैसे रखते हैं? एक और एग्जांपल लेते हैं. डाइस भी देखी होगी, सांप सीढ़ी या लूडो में जो हम यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड द लास्ट वन इज 6. तो लास्ट वन इज 6, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3, 4, 5 या 6. 6 से ज़्यादा कुछ भी नहीं आ सकता है, इसलिए हमने नंबर ऑफ आउटकम्स तो हमने फिल कर दिया कि 6 ही आएगा. अब हम चाहते हैं कि 3 आए, तो 3 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 3 तक नंबर लिखने हैं अब हमें, 1, 2, 3. अब हम चाहते हैं कि हमें 5 आए, तो 5 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1, 2, 3 अप टू 5 तक. तो अप टू 5 तक जितने भी नंबर है वो, 5 आए तो 5, 1 आए तो 1. तो ये हमारे 5/6 इस फॉर्मूले में फिट हो गया. ऐसे ही प्रोबेबिलिटी भी ऐसे ही केस में डिफाइन होती. ओके स्टूडेंट, होल 6 टॉपिक्स आर कवर्ड. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट. एंड अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछें, मैं उसे फिर से सॉल्व करा दूंगी. एंड देन एक्सरसाइज 5.1 मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी. उसके लिए आपको मेरी चैनल सब्सक्राइब करनी पड़ेगी. आप सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का. थैंक यू.